हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी होममेड रुमाली रोटी की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा, और अभी मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, साथ में ही डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। तो अभी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो सारे चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी इसमें हम डाल देंगे 1/2 कटोरी दूध, थोड़ा थोड़ा करके हम दूध को मिक्स करेंगे। अभी फिर से थोड़ा सा दूध ले लेंगे और इसे फिर से मिक्स करेंगे। तो ऐसे ही हम फिर से दूध डालेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। हमने पूरा डो दूध से ही तैयार किया है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का डो 1/2 कटोरी दूध से नहीं होता है, तो आप थोड़ा सा और दूध ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा पानी भी ले सकते हैं। तो नॉर्मल रोटी का जो डो है उससे थोड़ा सा सॉफ्ट ही डो हम तैयार करेंगे। तो देखिए, हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी इसे हम 30 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो 30 मिनट हो चुका है, अभी हम इसमें से रोटी बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो दुकान जैसे बिल्कुल परफेक्ट पतला हम तो नहीं बेल सकते, लेकिन जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो हमने एक मीडियम साइज़ का पेड़ा ले लिया है, इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा मैदा। तो देखिए, हमारा रोटी बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसे हमने हाथ पे ले लिया है। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को उल्टा करके ऑलरेडी गर्म करने के लिए बिठा दिया था, तो हमारा कढ़ाई काफ़ी गर्म हो चुका है। और अभी इसके ऊपर हम डाल देंगे रोटी को। तो इस रोटी को सेकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, तो जल्दी से इसे दूसरी तरफ से पलट दिया है हमने। और ऐसे और थोड़ा सा 2-3 मिनट सेक लेंगे हम इसे। तो अभी रोटी को एक कपड़े की मदद से थोड़ा सा प्रेस करके देंगे, ताकि ये साइड से अच्छी तरह से इवनली पक जाए। और इसे फिर से पलट देंगे। और देखिए, हमारा रोटी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी इसे हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारा पहला रोटी तैयार हो चुका है। अभी इसी तरह से हम दूसरी रोटी भी तैयार कर लेंगे। तो हमारा दूसरी रोटी भी तैयार हो चुका है, अभी इसे हम उठा लेंगे। तो अगर आप लोगों को हाथ में उठाने से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऐसे उठा सकते हैं, ऐसे करके डाल सकते हैं, तो इससे आपके हाथों पे भी गर्माहट महसूस नहीं होगी। तो देखिए, ये वाला रोटी भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अगर कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो जाए, तो अभी इसके ऊपर आप थोड़ा सा नमक का पानी का ऐसे छींटे लगा सकते हैं, इससे इसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आप इसके ऊपर रोटी डाल दीजिएगा। तो देखिए, ये वाला भी रोटी भी तैयार हो चुका है। तो अभी इसे हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसे सर्व किया है कश्मीरी दम आलू के साथ। अगर आप लोगों को ये वाला दम आलू का रेसिपी चाहिए, तो हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को ये वाला रुमाली रोटी का रेसिपी पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।